मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे दोहा कतर से आप सबके लिए इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन और पेमेंट और डेट्स से जुड़ी जानकारी लेकर के आया हूँ। स्वीट एंड शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले गूगल में जाइए, इग्नू एडमिशन डायरेक्ट क्लिक करिए या फिर ऑनलाइन एडमिशन डॉट इग्नू डॉट ए सी डॉट इन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये लिंक आएगी ऊपर जो आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। क्लिक करने के बाद आपको इग्नू का होम पेज दिखेगा या इग्नू का होम पेज। इसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ हैं ये लॉगिन। अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं, जुड़े हुए हैं, तो लॉगिन एक ग्रीन वाला क्लिक करेंगे, नहीं तो आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर होने के बाद, रजिस्टर जैसे आप लोग जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं या फेसबुक करते हैं, वैसे इसमें भी रजिस्टर होना होता है। बाद में लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका पहला स्टेप क्या होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिए। एडमिशन लेने के पहले आपको क्या करना होता है, आपको सारी चीज़ें तैयार रखनी होती हैं। सारी चीज़ों में जैसे आपका सारे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, LC, TC, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ऑल दिस थिंग्स आर सपोज टू बी केप्ट रेडी। स्कैन करके आप मोबाइल में कैमरा स्कैनर या खींच के फोटो रखिए, आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, ये सब आप रखिए सॉफ्ट कॉपी में। उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ध्यान रखिए, लॉगिन करने के पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ लीजिए। आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो, क्या ड्यूरेशन है, क्या आप फीस है, और ये सब चीज़ें आप पता कर लीजिए। रजिस्टर योर सेल्फ आपका हो ही गया। उसके बाद यूज़र नेम आप अपना 8 से 16 के बीच में रखिए। जनरली आपका जीमेल आईडी जो है वही यूज़र नेम रखेंगे या फिर मोबाइल नंबर रखिए, इससे आपको ईजी रहेगा याद करने में। फिर आपको फॉर्म सारे डिटेल्स भरते चले जाइए, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या करना है। अगर वहाँ कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ अदर कोर्स लेना है 9999 करके, मैं बताता हूँ आगे। तो ये सब चीज़ें करके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर तैयार रखिए। पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का सारा यूज़र आईडी पासवर्ड पास में रखिए, किसी को दीजिए मत। ये सब चीज़ें आप अपने पास रखिए पहली जानकारी में। अगर बीच में कोई समस्या आती है, कुछ होता है, तो आप डायरेक्ट इग्नू को कॉल कर सकते हैं इन दिए हुए नंबर पर। ठीक है, समय है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है 9:30 से 6, तो आप उनको कॉल करके घबराइए नहीं, मेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल पैनिक मत होइए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को में कमेंट करिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आपके क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको बताया मैंने, लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद फिर अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है उसमें तो अदर्स लीजिए आप, ये अदर्स देख रहे हैं ना फर्स्ट लाइन में। फिर उसके बाद अगर कोई आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो बोर्ड कोड सब्जेक्ट ले लो और सेलेक्ट 9999। उसके बाद अपलोड कर दो स्कैन डॉक्यूमेंट जो आपके मोबाइल में है या फिर आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे है। पे द फीस, प्रोग्राम फीस पूछे अगर फर्स्ट ईयर के लिए हो, जैसे बीकॉम की फीस अगर 6,000 है तो 2,000 रुपये वहाँ आ जाएगा फीस बाई डिफॉल्ट, उतना लेकर सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन करके आप सेव कर दीजिए पूरा रिकॉर्ड। सेव करने के पहले चेक कर लो, एक बार सेव हो गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बाकी डिटेल्स अच्छे से सेव कर लो। सेव होने के बाद आप उस पेज का प्रिंट जरूर लीजिए और अपने नज़दीकी सेंटर पर जाइए, नज़दीकी रीजनल इग्नू सेंटर पर जाइए। और किस चीज़ में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आप ये चीज़ें जान लो। ओपन डिस्टेंस लर्निंग बाई डिफ़ॉल्ट रहता है मोड, इसमें आपको क्या लेना है ये आप लीजिए। जैसे बैचलर डिग्री जनरली 90% पब्लिक करती है, बाकी चीज़ें जैसे आपको बीकॉम लेना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, सारी जानकारी, किसी से कोई कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आप इसमें दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो डायरेक्ट, नहीं तो फिर प्रीपरेटरी इनका एक एग्ज़ाम होता है, जैसे YCU में प्रीपरेटरी होता है वैसे यहाँ। इस तरह से लेकर के आप अपनी फ़ीस भर दीजिए, और फीस ऑनलाइन हर 7,200 रुपये बता रहा है, 2,400 रुपये पर ईयर का बता रहा है, 3 साल में 7,200 2,400। फीस इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप पढ़ाई जॉब करते समय पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा मित्रों, इसमें इग्नू में या फिर YCMU में जितने ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2 बार एडमिशन होता है, 1 जुलाई 1 जनवरी। ये देख रहे हैं नीचे, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ या इसमें आ जाऊँ होम स्क्रीन पर, तो आपको बता दूँ डेट्स नीचे देख रहे हैं एकदम, ये डेट्स, डेट्स में क्लियरली यहाँ दिया होता है कि कब एडमिशन होना है। जनवरी के लिए लास्ट डेट December 31 होती है, और जुलाई में एडमिशन के लिए जून का मंथ लास्ट वीक जो होता है एडमिशन डेट होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी आप लास्ट डेट का वेट कभी मत करो, फर्स्ट डेट में, फर्स्ट वीक में आप एडमिशन ले लो। जैसे जनवरी में कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या है डेट, तो मैं आपको बता दूँ जनवरी का जो एडमिशन डेट है, जनवरी में से आपकी पढ़ाई शुरू होनी है, इसलिए उसका डेट 31 दिसंबर है। तो मित्रों आप, और जुलाई के लिए जून है, 30 जून, ठीक है। तो मित्रों इसलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए और पहले ही एडमिशन ले लीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप बिंदास इग्नू को इस नंबर पर कॉल या फ़ोन कर सकते हैं, 011-29
5338 69 या 2953870011 वहाँ का कोड है, ssc@ignu.ac.in या उनका मेल आईडी है। मित्रों अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ सहायता चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके। मित्रों आप किसी भी तरह के डाउट हमसे क्लियर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।